होते ही हम अपने भाभी से मिले, पूरा ठीक थे। कल ही पता चला कि कोरोना पॉजिटिव निकल गए। और आज वो तो चली गई, लेकिन मेरे मन में हजार सवाल पैदा कर दिए। हमको अभी इतना ही समझ में आ रहा है कि कोरोना से पहले हजार को बीमारी था, वो बीमारी से लोग काई नहीं मर रहा, और जो भी कोरोना पॉजिटिव मर रहा है वो हॉस्पिटल में मर रहा है, घर में काई नहीं मर रहा। अब तो हमको हॉस्पिटल जाने से ही डर लग रहा है पापा, हमको हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो क्या सचमुच ये डर आपको किसी जीत की ओर ले जाएगा? क्या सचमुच आप डर डर के जीने के आदि बना दिए गए हैं? हमारी अम्मा के पेट में दर्द था, लेकिन पेट में बहुत जोर का दर्द था। शहर ले गए अस्पताल। अस्पताल में लोग हमको बताया कि अब इलाज मोबाइल पे होगा, वीडियो कॉल से। हम जैसा गरीब ये 800 रुपया का मोबाइल रखता है, कहाँ से वीडियो कॉल करता है? हाथ जोड़ा, रिक्वेस्ट किया, कोई नहीं सुना साहब। एक अस्पताल, दो अस्पताल, पांच अस्पताल, हर अस्पताल से एक ही जवाब, इलाज कुछ भी कराना हो, अगर अस्पताल में दिखाना है तो भर्ती कराना होगा और चार्ज कोरोना का लगेगा 5 लाख रुपया। हमारा जैसा गरीब 5 लाख रुपया कहाँ से लेकर के आता? अम्मा इंतजार नहीं कर सकी, दम तोड़ दी। गए तो थे इलाज कराने, अम्मा का दाह संस्कार कराकर चले आए। ये बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है कोरोना के नाम पे साहब, और शिकार हम गरीब हो रहे हैं, हम गरीब हो रहे हैं साहब। कुछ तो करो साहब। क्या सचमुच आप एक ऐसी दुनिया में रहने के लिए तैयार कर दिए गए हैं जहां ना तो सवाल उठाने की ताकत हो, ना ही हक की बात करने की हिम्मत हो, ना जिंदगी में कोई रंग हो, ना मनोरंजन के कोई भी सार्वजनिक साधन हो? यानी कि आपका जीवन सार्वजनिकता से निजता में सिमट गया। डरने की जरूरत नहीं है सर, ये हम जैसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, और खासकर आप जैसे बिजनेसमैन के लिए। लास्ट टाइम आपने N95 में इन्वेस्ट किया, 1+2 का प्रॉफिट दिया हमने। नो डाउट कि वैक्सीन आने के बाद हमारी कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारी कंपनी इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फार्मास्यूटिकल में। सर ये तो आपको पता ही है, फिर आप ये रिस्क लेने से क्यों डर रहे हैं? लेकिन सर रिस्क लेने का आपको टेंशन ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम बैठे हैं आपके लिए, कंपनी बैठी है, कंपनी की लाइबिलिटी है आपके लिए। आप तो बस ये समझिए सर कि आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, बस वो अमाउंट बताइए। तो क्या अरस्तु के उस सामाजिक सत्य की अवधारणा से हम ऊपर उठ चुके हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? विचारिएगा जरूर।